Hello everyone and welcome to the tutorial of economics. So आज हम लोग application of differentiation start करने वाले हैं, जिसमें particularly हम लोग elasticity of demand को आज पढ़ेंगे. Application of differentiation बोलने का मतलब क्या, जहां पे differentiation का concept use हो, उन सारे concept को अभी हम लोग study करने जा रहे हैं. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में मैंने आपको लास्ट डे बताया था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने का दो फॉर्मूला है या दो अलग अलग तरीका है. पहला तरीका क्या है, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, जहां पे डिफरेंशिएशन का यूज आता है. और दूसरा तरीका क्या था, विद द हेल्प ऑफ एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू. तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ईडी बराबर एआर बाय एआर माइनस एमआर, उसके थ्रू भी हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर सकते हैं. तो उसको हम लोग बाद में स्टडी करेंगे, आज हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, जो कि मैंने आपको लास्ट डे बताया था, थोड़ा सा एक बार उसको जस्ट रिकॉल करते हैं. लास्ट डे मैंने आपको क्या बताया था, ईडी बराबर माइनस पी बाय एक्स इंटू डी एक्स बाय डीपी, ये फॉर्मूला आपको बताया. अब ध्यान से देखिए, मैंने ये भी कहा था कि ये माइनस जो है वो क्या बताता है, वो रिलेशन बताता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. तो इसका कोई क्वांटिटिव रोल नहीं है, बस ये रिलेशन को सिग्निफाई कर रहा है, दैट इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस, ठीक है ना. और जहां भी मैथ में ये लग गया, समझ जाइए इनवर्स रिलेशन को शो करेगा, माइनस या फिर नेगेटिव वैल्यू आ गया तो वो इनवर्स रिलेशन को शो करता है बिटवीन द टू क्वांटिटीज. अब थोड़ा सा एक और मतलब, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ x दिया होगा और x को हम लोग p के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएट करेंगे, dx by dp को कैलकुलेट करेंगे और उसका वैल्यू निकाल के हम लोग फॉर्मूला में पुट करके एडी निकाल लेंगे. अब थोड़ा सा इसी फॉर्मूला को हम आपको और एक ढंग से समझाना चाह रहे हैं कि क्या हम लोग ईडी बराबर माइनस पी बाय एक्स इंटू वन बाय डीपी बाय डीएक्स लिख सकते हैं. ध्यान से समझिए, हालांकि कंसेप्ट आप समझना चाहो तो हम लोग बचपन में क्या पढ़ते थे, वन बाय बी बाय सी इज इक्वल टू वन बाय बी इंटू सी या फिर वन इंटू सी बाय बी, ऐसे लिखते थे. तो हम लोग अगर चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, वन बाय डी वन बाय डी पी इंटू डी एक्स, मतलब आएगा यही. इसको अगर चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी बाय एक्स इंटू, ये वापस जाएगा वन बाय डी पी इंटू डी एक्स. तो ये तो है डी एक्स बाय डी पी, ये समझने के लिए कंसेप्ट का है कि बात तो वही रह जा रहा है, लेकिन ऐसा आपको समझना है कि आप कभी x के रिस्पेक्ट में भी डिफ्रेंसिएट कर सकते हो और कभी p के रिस्पेक्ट में भी डिफ्रेंसिएट कर सकते हो. तो अब बात आता है, कब हम p के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएट करके dx by dp को कैलकुलेट करें और कब हम dp by x के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करके dp by dx को कैलकुलेट करें. तो उसका सिंपल सा फंडा आपको ये याद रखना है, जहां पे P बराबर अगर दे दिया है डिमांड लॉ, डिमांड लॉ जैसे पहले क्वेश्चन किस फॉर्म में आ गया ये देखिए, फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिमांड लॉ. डिमांड लॉ बोलने का मतलब क्या, एक ऐसा रिलेशन बताया जाएगा आपको जहां पे प्राइस और क्वांटिटी डिमांड रहे, उन दोनों के बीच कोई रिलेशनशिप रहे तो वो इक्वेशन दिया जाएगा आपको. तो आप बात समझिए, आपको क्वेश्चन किस फॉर्म में देगा बात, वो या तो आपको P बराबर ये देगा या तो x बराबर p स्क्वायर इधर देगा. तो अगर p बराबर दिया है तो आप x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट करके dp by dx निकालिए, लेकिन अगर x बराबर दिया है तो आप p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके dx by dp निकालिए. शायद थोड़ा सा समझ में आया होगा, हम जैसे आपको और अभी एग्जांपल हम लोग लेंगे तो और शायद क्लियर हो जाए अच्छे से. तो चलिए अब इसको हम लोग बना ही लेते हैं शायद और आपको अच्छा फील हो, समझ में आए. जैसे कि पहले फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बता रहा है, p बराबर वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है.
तो मैंने क्या बोला, थोड़ा ध्यान से आप रिकॉल करिए और उसको दिमाग में डालने का कोशिश करिए। मैंने डायरेक्ट एक चीज बताया क्या, अगर P बराबर दिया हुआ है, P इक्वल टू कुछ दिया हुआ है, इधर X है, तो आप X के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो दोनों साइड, ठीक है ना। तो यहाँ क्या दिया हुआ, P इक्वल टू और इधर X है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, dp by dx बराबर d by dx of 1 by 1 plus x square। चलिए इसको हम लोग ऊपर वाला नीचे वाला, याद है डिवीजन रूल u by v, तो क्या होता था, नीचे वाला का स्क्वायर, तो 1 plus x square का होल स्क्वायर, नीचे वाले को लिखते थे जस्ट हम लोग ऊपर में, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला, ऊपर में क्या है 1, माइनस ऊपर वाला इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला, नीचे वाला क्या है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, 1 का डिफरेंशिएशन, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन का वैल्यू 0 आता है, सो 0 इंटू दिस दैट विल बी रिमेन 0, इसका रोल खत्म, क्या बच गया मेरे को 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 दैट विल बी 0, अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर सो दैट विल बी 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है, dp by dx को कैलकुलेट करना है या dx by dp कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, जैसे ही हम लोग देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है हम लोगों को, तो पहला क्वेश्चन आएगा कि हम लोग निकाले क्या, dp by dx निकाले या dx by dp निकाले। और मैंने इसके लिए आपको क्या बताया कि अगर p इक्वल टू दिया रहे तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके dp by dx निकालेंगे, अगर x दिया रहे तो हम लोग dx p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके dx by dp निकालेंगे। अब बात आता है कि हम लोग जो निकाले उसी को फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, हम लोग दो फॉर्मूला को देखे थे, ed बराबर p by x into dx by dp पहला फॉर्मूला, और दूसरा क्या था, ed बराबर p by x into 1 by dp by dx। यहां पे किसका वैल्यू आपने निकाला है डिफरेंशिएशन करके, dp by dx का, तो हम लोग किस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, सेकेंड वाले को, तो लिखते हैं वी नो दैट, हम लोग जैसा कि जानते हैं ed बराबर p by x into 1 by dp by dx। चलिए वैल्यू बैठाते हैं, p by x into 1 by dp by dx का वैल्यू कितना है, माइनस 2x by 1 plus x square का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, p by x into 1 plus x square का होल स्क्वायर by माइनस 2x, ठीक बात है। अब आपको एक चीज और करना है, इस वैल्यू को फाइनल करते टाइम यहां पे जो दिया रहेगा, अगर p इक्वल टू दिया रहे तो आप p के जगह वह वैल्यू बैठा दीजिए, अगर x इक्वल टू दिया रहे तो x के जगह वो वैल्यू बैठा दिए। यहां पे p इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, p के जगह 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर बैठा दिए, बाय x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय माइनस 2x। ये सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगा, ये नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा x के साथ, 1 बाय x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय माइनस 2x। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 2, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, ऊपर में एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, बाय एक्स इंटू माइनस 2x दैट विल बी माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय
2x square. ठीक है ना. सो आपको कैलकुलेट करने के दरमियान ये तो बिल्कुल क्लियर रखना है. एप्लीकेशन के अंदर पढ़ रहे हैं भाई साहब, तो हमें एप्लीकेशन मतलब डिफरेंशिएशन निकालना होगा. तो अब क्या निकालना हो पढ़ सकता है मेरे को, हो सकता है कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके डीपी बाई डी एक्स निकालना पड़े, या फिर हो सकता है p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके डी एक्स बाई डीपी निकालना पड़े. आपको देखना है. तो अब इसका आंसर कहां से आएगा, किसके रिस्पेक्ट में क्या करना है. अगर p इक्वल टू दिया है तो x के रिस्पेक्ट में करके डीपी बाई डी एक्स निकालेंगे, अगर x इक्वल टू दिया है तो आप p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके डी एक्स बाई डीपी निकाल लो. ठीक है. उसके बाद लास्ट में आपको वैल्यू बैठाना है उसका, जिस जो दिया रहे. अगर p इक्वल टू दिया रहे तो p के जगह वो वैल्यू बैठाना है जो क्वेश्चन में दिया है. अगर x इक्वल टू दिया रहे तो x के जगह बैठाना है. ठीक है ना. सो आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ हो कंसेप्ट. चलिए एक क्वेश्चन में x वाला बताता हूं, तब आपको शायद और अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाए. जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, p बराबर नहीं लेते हैं, इस बार हम लोग लेते हैं x इज इक्वल टू 8 बाय p स्क्वायर. ठीक है ना. ध्यान से देखिए इसको. अब बात क्या है कि क्या निकालना है. अगर x दिया हुआ है तो हम क्या बोल लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू p, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे p के रिस्पेक्ट में. तो लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू पी, पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं. ये क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी पी बराबर डी बाई डी पी ऑफ 8 बाई पी स्क्वायर. इसको आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, पी स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे पी का पावर माइनस टू हो जाएगा, लेकिन हम लोग इनिशियली यू बाई भी को ही लेके बनाते हैं, वैल्यू निकालते हैं. तो क्या हो जाएगा, नीचे का स्क्वायर, नीचे में पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर को लिखे इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 8 विथ रिस्पेक्ट टू पी माइनस 8 को लिखना है डिफरेंशिएशन ऑफ पी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू पी. 8 का डिफरेंशिएशन फिर से कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, तो जीरो इंटू पी स्क्वायर पूरा जीरो हो गया, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहा. आगे क्या है, माइनस 8 इंटू पी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 2p बाय पी का पावर 4, दैट विल बी माइनस 16p बाय पी का पावर 4. ठीक है ना. अब हम लोग क्या निकालनी है, dx by dp निकालनी है. आगे क्या करेंगे, तो अब फॉर्मूला में पुट करना है. तो कहां पे dx by dp है, फॉर्मूला में देखिए dx by dp पहले में, तो लिखेंगे ed बराबर p by x into dx by dp. डायरेक्ट वैल्यू बैठाते हैं हम लोग dx by dp का, क्या हो जाएगा p by x into dx by dp, तो कितना वैल्यू आ गया, माइनस 16p बाई पी का पावर 4. हम लोग इसको क्या लिखेंगे, हम क्या बोले थे, एक स्टेप और आपको क्या करना है, अगर x इक्वल टू दिया है तो आप उसके जगह वो वैल्यू बैठाओ, तो हम लोग p बाई x के जगह 8 बाई पी स्क्वायर बैठा देते हैं इंटू माइनस 16p बाई पी का पावर 4. क्या हो जाएगा, ये हमारा p स्क्वायर ऊपर में आ जाएगा, p का पावर q हो जाएगा बाय 8 इंटू माइनस 16p बाय p का पावर 4. तो ध्यान से देखिए, p का पावर 3 इंटू p का पावर 1 ऐड हो जाएगा, बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा, माइनस 16p का पावर 4 बाय 8 p का पावर 4. p का पावर 4 कैंसिल, क्या हो जाएगा 2, तो माइनस 2. तो मैं जो बताना चाह रहा हूं आपको, बस अपने आप से दो सवाल पूछना है कि भाई साहब मेरे को निकालना क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के दरमियान, या पहला चीज डीएक्स बाई डीपी या डीपी बाई डीएक्स. तो सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर पी बराबर दिया है
तो हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या निकलेगा, dp बाय dx। तो सेकेंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर x बराबर दिया रहे तो हम लोग p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके क्या निकालेंगे, dp dx बाय dp, ठीक है ना। अब चाहो तो p को वैल्यू कैलकुलेट करके फिर से x के रिस्पेक्ट में निकालो, लेकिन वो सब झूठ मूठ का है। सिंपल जो होता है मैं आपको वही बताता हूँ, आपको थोड़ा सा भरोसा रखना है, ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन ये था, उसके बाद हम लोग वैल्यू करते टाइम हमको दूसरा बात क्या याद रखना था, जिसका वैल्यू दिया रहे क्वेश्चन में उसका वैल्यू पुट करके तब निकाल लेते थे एक नंबर या कुछ भी जो बच रहा है। तो इसका कंसेप्ट यही है, आई होप आपको डाउट क्लियर हुआ हो। जैसे कि देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सेम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएट करके डीपी बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे और ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें भी सेम ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, इसमें भी सेम ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ एक्स दिया है तो क्या कैलकुलेट करेंगे, पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके डी एक्स बाई डी पी, तो पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। सो आप बनाइए, अगर आपको कोई भी डाउट कोई भी सजेशन देना है आप प्लीज दीजिए, एंड लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, कुछ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि इस चैनल का भी भला हो, देखने में अच्छा लगे कि सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो आई होप यू वुड लाइक दिस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।